नमस्कार, सनातन टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। एक्ट्रेस और भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट की मौत के मामले में गोवा पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। गोवा पुलिस का कहना है कि सोनाली फोगाट को 22 अगस्त की रात पार्टी में जबरदस्ती ड्रग्स पिलाया गया था। उनके पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर ने पुलिस की पूछताछ में ये बड़ा खुलासा किया है। गोवा के डीजीपी ने कहा कि एक्ट्रेस की पोस्टमार्टम में सामने आए तथ्यों के बाद शक गहरा गया था। आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि सोनाली को जबरदस्ती नशीला पदार्थ दिया गया था। पुलिस महानिरीक्षक ओमवीर सिंह बिश्नोई ने कहा कि सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि सांगवान गोवा पहुंचने पर सुखविंदर के साथ सोनाली फोगाट को पार्टी करने के बहाने उत्तरी गोवा के करली रेस्तरां में ले गया था, जहां पीने के पानी में नशीला पदार्थ मिला दिया था और सोनाली को पीने के लिए मजबूर किया। पुलिस के मुताबिक नशीला पदार्थ देने के बाद सोनाली की तबीयत बिगड़ गई। 23 अगस्त की सुबह करीब 4:30 बजे तक वो कंट्रोल में नहीं थी। सोनाली के पीए और उसके दोस्त सुखविंदर सोनाली को टॉयलेट की तरफ ले गए, जहां वो 2 घंटे तक रहे, लेकिन उन्होंने नहीं बताया कि उसे टॉयलेट क्यों ले गए थे और उन्होंने वहां क्या किया। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमे सोनाली की हालत बेहद खराब दिख रही है। वीडियो में दिख रहा है कि वो लड़खड़ाते कदमों से चल रही है। सुधीर सांगवान कंधे के सहारे उन्हें पकड़े नजर आ रहा है। इस वीडियो को मौत से ठीक पहले का बताया जा रहा है। पहले सोनाली फोगाट को हार्ट अटैक से निधन की खबर आई थी, लेकिन परिवार इसे मानने से इनकार कर रहा था। उसी के बाद सोनाली का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सोनाली के शरीर पर चोट के कई निशान मिले थे, जिसके बाद गोवा पुलिस ने सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और उसके दोस्त सुखविंदर वासी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि 23 अगस्त को सोनाली फोगाट की मौत की खबर आई थी। पहले उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया था, लेकिन उनका परिवार ये मानने को तैयार नहीं था कि उन्हें दिल का दौरा पड़ सकता है। सोनाली की बहन ने पुलिस को बताया था कि एक्ट्रेस को अपने खिलाफ साजिश का अंदेशा था। उन्होंने अपनी माँ से कहा था कि उन्हें लग रहा है कि उनके खाने में कुछ मिलाया जा रहा है। इसके बाद सोनाली के भाई ने पुलिस को बताया था कि सोनाली का पीए उनके साथ बहुत पहले से रेप कर रहा था। उसने सोनाली का वीडियो भी बनाया था, जिसे लेकर वो उन्हें ब्लैकमेल किया करता था। एक्ट्रेस के भाई ने पीए के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की थी, जिसके बाद केस दर्ज कर पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की थी और अब आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है।